अगर आप भी फेसबुक का पेज ऑपरेट करते हैं या प्रोफाइल ऑपरेट करते हैं, कुछ भी अगर कहीं पे भी यार आप काम कर रहे हो, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, अभी इस टाइम पे जो पेज हैक, प्रोफाइल हैक, पे आउट हैक, मल्टीपल चीज़ें अभी इतनी एक्टिविटी हो रही है जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट वगैरह भी मुझे शेयर किया, और उन्होंने मुझे, जब उनके पास वो मैसेज आया था तो उन्होंने मेरे से कंफर्मेशन लिया था कि सर क्या वाकई में ये रियल है या फेक है, क्या ऐसा है या नहीं है, एक बार मुझे कन्फर्म करें तभी मैं आगे कोई भी चीज़ का प्रोसेस करूँ। तो आपको पहले मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आप हर एक चीज़ समझ लो। देखिए आप ध्यान से देखो, आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसा आप देखोगे यहाँ पर एक बेसिकली एक मैसेज आता है, और ये मैसेज आता है शायद आई थिंक ये 12 तारीख को, यस 12 फरवरी को एक मैसेज आया हुआ है यहाँ मार्च में। यहाँ पे क्या देखो, एक क्या लिखा आ रहा है कि मेटा गाइडलाइंस फेसबुक, और ऐसा ऐसा करके लिखा आ रहा है। यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है यू आर नॉट फ्रेंड ऑन फेसबुक, ऐसा करके लिखा आ रहा सारी चीज़ें, और लिखा भी आ रहा है यहाँ पे लीव इन लॉस, क्या ये एंजेला पत्नी क्या भैया जो भी है यहाँ पे, कॉलिफेनिया वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मुद्दे की बात ये है कि आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे क्या मैसेज आता है, मैसेज देखो, मैसेज आता है कि हाय विपिन त्यागी, सेव योर अकाउंट फ्रॉम स्ट्राइक, अदरवाइज स्ट्राइक विल बी एक्टिव इन फ्यू आवर्स, ऐसा मैसेज आता है। तो चलो जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा वीडियो उन्होंने बड़ी बड़ी डिटेल्स में देखी हुई है, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज तो है ही है। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे इन्होंने मैसेज लिखा कि हु आर यू, ये बोलता है कि वी आर मेटा गाइडलाइंस टीम, यू शुड वेरीफाई योर अकाउंट विद मेटा ऑफिशियल वेबसाइट, अदरवाइज आफ्टर 24 आवर्स कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक विल बी एक्टिवेटेड ऑन योर अकाउंट और योर अकाउंट विल बी डिलीटेड फॉर एवर। तो भैया ये बोल रहे हैं कि आप कुछ समय में इसको वेरीफाई कर लो, अन्यथा आपका जो है हमेशा के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा और स्ट्राइक एक्सप्रेस एक्टिवेट हो जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट। यहाँ बोलता है हाउ वी आर वेरीफाई, बोलता है आवर टीम विल कॉन्टैक्ट पर्सनली, ओके इन्होंने बोला ओके गिव योर व्हाट्सअप नंबर। देखो फेसबुक वाले व्हाट्सअप नंबर मांग रहे हैं, शाबाश, ये हुई ना समझदारी वाला बात, अब पकड़ा गया ये। यहाँ पे आगे देखोगे लिखा है कि एनी इन्फॉर्मेशन मेटा सेंड, ऐसा सा उन्होंने बोला है कि भैया मेटा अगर कुछ भी होता था ऐसा वो मैसेज भेजता है, और जबकि सारी इन्फॉर्मेशन मेरा पड़ा हुआ है तो मेटा ये चीज़ क्यों पूछ रहा है, इन्होंने बोला। और जाहिर सी बात है यार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ तो आपके प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ, तो क्यों मांगोगे तुम भैया। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दे आर मैनी टाइप ऑफ टीम्स इन मेटा, वन ऑफ विच इज़ आवर टीम कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रिमूव एंड गाइडलाइन क्रिएटर। और देखो वो बेकुफवा धवन है ना भैया, उसको क्रिएटर भी लिखना नहीं आ रहा है वो। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो टीम का भी बंदा है, वो देखो क्या लिखा है, रिमूव एंड गाइड क्रिएटर, क्रिएटर क्या लिखना चाह रहे हो भैया, वही तो संक्षिप्त में बता दो ताकि समझ जाए कोई। चलिए इतना ही नहीं, आगे देखोगे इन्होंने बोला कि हाउ आई बिलीव यू फ्रॉम फेसबुक टीम, इन्होंने बोला भैया हम कैसे विश्वास करूँ कि आप टीम से हो। बोले इन्होंने बोला ऐसा ऐसा करके कि भाई 15 मार्च को एक और मेरे पास ऐसा सीन आया था, तो एक कोई सेकंड पर्सन का, उन्होंने भी सेम ये केस मांगा, बोले कि हाँ ही वॉज अ मेम्बर ऑफ आवर टीम, बोले वो हमारी टीम का बंदा था। अच्छा, मतलब पहली बार में दाल गली नहीं तो दूसरी बार में हम आए हैं आपका समाधान लेके। इन्होंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हाउ मैनी ईयर यू डूइंग दिस जॉब, वो बोल रहे कि आप कब से ये जॉब कम कर रहे हो, वो बोल रहा है डोंट वेस्ट टाइम विद अननेसेसरी क्वेश्चंस, और बोल रहे कि भाई इसको वेरीफाई करना है या नहीं करना है। इन्होंने बोला कि यू पीपल नॉट अंडरस्टैंड दैट अ पर्सन विदाउट नोइंग, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई देखो सिंपल साहब, ये कहने मतलब इनका ये है। इन्होंने बोला कि ठीक है चलो जो भी है, तुम समझ नहीं पा रहे क्या है क्या नहीं, इन्होंने बोला कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर भेजो। बोलता है यू कांट कॉन्टैक्ट, ये बोलता है यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट ऑन आवर मेंबर, यू कैन सेंड ओनली SMS ऑन व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप नंबर क्या है 21399, ऐसा पता नहीं कौन कौन सा नंबर है। तो कहने का मतलब ये भैया देखो ऐसा है कि ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन का जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, टोटली ये फ्रॉड है। अब आपके पास में मान लो कोई बंदा एक आईडी बनाए और आईडी सबको मैसेज भेजे, उस पर सब कुछ फेसबुक के जैसा लगा दे, तो क्या होगा, आपके पास मैसेज आएगा, आपको लगेगा ये तो लाइव भी है, सब कुछ है, मैसेज डाल रहा है, हर चीज़ बिल्कुल फेसबुक के डाला है, आप उसके झांसे में आ गए, फंस गए, लिंक दे देगा, वेरीफाई कर दोगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराने से पहले मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना, और पूरा डिटेल में इसको कहीं से डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो, या कहीं भी लिंक रख लो, जो कोई मांगे उसको दे दो। चलो एक गजब का चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, एक और चीज़ देखोगे मज़ा आ जाएगा इस चीज़ को देखने के बाद। देखिए देखो अब यहीं पे चीज़ होता है, जो लोग समझदार होते हैं वीडियो को देखते हैं समझते, जो नहीं समझदार होते भैया वो ऐसे ही फालतू में लगे और अपना सब कुछ बेच बाज के गंवा बैठते, फिर बोलते हैं भैया बचा लो,
हमें मैं हमारा सॉल्यूशन कर दो, कुछ हमें सेव कर लो, बट ऐसा नहीं होता। आप देखोगे यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर आप नोटिस करोगे यहाँ पे फेसबुक का जितना भी ऑफिशियल पेज है ना, जितना भी फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, मेटा ऑफिशियल पेज, आप यहाँ पे देखोगे चाहे मेटा फॉर बिजनेस है, मेटा है, मेटा फॉर क्रिएटर्स है, मेटा फॉर एजुकेशन है, मेटा एक्सेसिबिलिटी है, मेटा मतलब सब मेटा का जितना देखो सब वेरीफाइड मिलेगा, मेटा फॉर मीडिया, मेटा रिसर्च, मेटा ये, मेटा वो, सब कुछ यहाँ पे पेजेस में है यार। ये देखो जितना भी मेटा का पेज रहेगा यानी फेसबुक का जितना पेज रहेगा भैया सब कुछ वेरीफाइड मिलेगा। अब बात करें वो जो लगा हुआ था ना कि कैसे हैक कर लूँ, यहाँ पे देखो कि मेटा गाइडलाइन, मेटा गाइडलाइन में अगर आप यहाँ पे पेज पे भी क्लिक करोगे ना मेटा गाइडलाइन लिख के, तो आपको मेटा गाइडलाइन से रिलेटेड कोई पेज मिलेगा ही नहीं फेसबुक का। ये देखिए ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे मेटा गाइडलाइन, एक भी पेज नहीं है, बट अगर आप आईडी में देखोगे तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई आपको आईडी मिल जाएगी। देखिए इन समझदार लोगों को देखो, ये ऐसे समझदार लोग हैं कि जो सोचते हैं कि वही समझदार है, दूसरा सब बेवकूफ़ है। जैसा आप इस पर क्लिक करोगे तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे सब कुछ फेसबुक के जैसा बनाया हुआ। देखो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये सेम वही बंदा है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है वर्क एट हेल्प क्रिएट फैमिलीज। अच्छा ये देखो यहाँ पे देखोगे ये सब कैलिफोर्निया, ठीक है, लॉस, यहाँ पे एंजेलिस, देखोगे ये सब चीज़ें यहाँ पे पूरी है। और देखो पीपल्स देखो कौन से इसके फ्रेंड, इंडियन, ये देखो भैया विपिन, आर्या, आनंद कुमार, और ये देखो सुबोध कुमार, ये रवि, सब इंडियंस हैं। अरे कतई खुद तो बुद्धि लगा लेते कुछ, इनको तो हटा देते कम से कम। इतना ही नहीं, ये और समझदारी आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पे नीचे आओ, नीचे आओ, देखो 7 मार्च को पेज बना, 9:07 पे फेसबुक का पेज लगाया, जब फेसबुक से डालनी गई तो मेटा का लगा दिया, बाद में समझ आया फेसबुक का लोगो बदल गया है। पहले फेसबुक लगाया तो वो समझ गया कि फेसबुक से तो बात नहीं बनेगी, उसने क्या किया फिर बाद में देखो मेटा चेंज कर दिया। इतना ही नहीं, फिर इसके बाद देखो सारा मेटा का पेज पोस्ट, सारा जो मेटा डालता है ना उसके ऑफिशियल पेज से उठा उठा के सारे पोस्ट डाले हुए हैं। इस तरीके से भैया ये लोग क्या करते हैं, आपको जो है ऐड भेजते हैं, मतलब आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको मैसेज ड्रॉप करते हैं, और रिक्वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, मैसेज भेजेंगे आप चला जाएगा मैसेज यहाँ से, काहे समझते, कोई समझते थोड़ी है। मैसेज भेज के वो बंदा सामने वाला आपको मैसेज भेजेगा, आपको लगेगा कि वही बात कर रहा है। तो इसलिए भैया मेरे जब कभी भी कोई भी चीज़ है तो आप प्लीज़ इनको चेक कर लें कि वो ऑफिशियल है अनऑफिशियल है कौन नहीं है, और उसके बाद फिर डिसाइड करें सर कहाँ पर। जब कभी भी ना फेसबुक के पास इतना समय नहीं है कि आपसे व्हाट्सअप पे बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको उसको स्ट्राइक देनी है कुछ भी देनी तो वार्निंग देगा मेल पे, आपको मेल देगा, आपके चैट आपका जो इनबॉक्स होता है उसके अंदर देगा कि आपका ये कुछ आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया, ये इसकी समस्या है। सो एक ही इसका मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि भैया देखो सेफ एंड सिक्योर रहो, सुरक्षित रहोगे, आपकी मेहनत बची रहेगी, और लालच में फंसोगे ऐसे सब बर्बाद हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि भाई इस तरीके के जितने भी मैसेजेस आते हैं, जितने भी चीज़ें आती हैं कि आपके पेज पे स्ट्राइक है, रिमूव हो जाएगा, ये फॉर्म भर दो, अपने पेज को रिकवर कर लो, आपने ये गलती की वो गलती की, बिल्कुल भी आप इस पर बिलीव ना करें। और आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ, ताकि जो लोग बेचारे मेहनत करते हैं, 1,000, 2,000, 5 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन का पेज खड़ा करते हैं बना के, और वो कहीं इस चक्कर में फंस ना जाएं और बर्बाद ना हो जाएं। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं, बच के रहिए, सेफ एंड सिक्योर रहिए। और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड हमारी सीरीज़ आएगी प्रॉब्लम सॉल्व शो के अंदर, आप कैसे सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं ना, एवरीथिंग बहुत डिटेल्स में आएगी, बहुत जल्द आएगा। सो गाइस बस फिलहाल इतना ही, और वीडियो चले तो लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कि आपके पास भी ऐसा मेल कुछ मैसेज कुछ रिसीव हुआ है। अगर ऐसा हुआ है बच के रहें, हम लोग एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, एंड टेक केयर।